बार की आने वाली फिल्म भूत बंगला का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिससे देखकर साफ साफ ये पता चलता है कि ये मूवी आप जो है डेफिनेटली एक हॉरर कॉमेडी मूवी होने वाली है। मतलब यार आप लोग पोस्टर को ही चेक कर लो ना यार, कि ऐसा यहाँ पे जो है फनी एंड कॉमेडी टाइप का पोस्टर जो होता है फाइनली इसको यहाँ पे जो है बनाया गया है। ठीक है, अब देखो यार ये क्या सीन है ना कि इस मूवी को लेकर काफी सारे फैंस यहाँ पे वेट कर रहे थे, बिकॉज देखो अक्षय कुमार यहाँ पे जो है 10-12 पिक्चर तो कर देंगे साल की, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो किसके साथ मूवी कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। ये मूवी वो यहाँ पे जो है प्रिया दर्शन के साथ करने वाले हैं, जो कि एक ओजी डायरेक्टर है। मतलब इनसे बढ़िया कॉमेडी हॉरर का डायरेक्टर मुझे लगता ही नहीं है कि पूरे इंडिया के अंदर कोई और यहाँ पे हो सकता है। जिन्होंने यहाँ पे जो है भूल भुलैया बनाई है, जिन्होंने यहाँ पे जो है भागम भाग बनाई है, दे दनादन बनाई है, हंगामा बनाई है, और ऐसी ही कमाल कमाल की अच्छी फिल्मों को बनाया है, फाइनली यहाँ पे जो है 14 साल के बाद वो अक्षय कुमार के साथ फिर से यहाँ पे काम करने वाले हैं। मुझे लगता है कि भाई आसानी से यहाँ पे जो कमबैक होता है अक्षय कुमार का फाइनली यहाँ पे हो चुका है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे पोस्टर के बारे में, तो डेफिनेटली ये मूवी यहाँ पे जो है हॉरर के ऊपर बेस होने वाली है ना। आप लोगों को तो पता ही है कि इंडिया के अंदर यहाँ पे हॉरर का जो कल्चर चल रहा है वो कितना खतरनाक है। आप लोग यहाँ पे जो है स्त्री मूवी देख लो, उससे पहले बुलबुलैया आई थी, इससे पहले मुंजे आई थी, भाई सारी की सारी चीजें यहाँ पे जो है अगर आप हॉरर को लेकर बनाते हो इंडिया के अंदर तो वो कितनी सही तरीके से यहाँ पे वर्क कर रही है। उसी के बारे में अगर हम बात करें इस पोस्टर की डिटेलिंग के बारे में, तो गाइस देखो नाम से पता चलता है कि भूत बंगला यार इस पूरी मूवी के अंदर एक हॉन्टेड हाउस होने वाला है। वहां जो जाएगा उसके यहाँ पे जो है एल लगने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है गाइस। आई थिंक यहाँ पे जो है हॉलीवुड के अंदर भी हॉन्टिंग हिल्स के नाम से एक मूवी थी, वो भी यहाँ पे जो है काइंड ऑफ इसी के ऊपर बेस्ड थी कि एक हॉन्टिंग लाइक वहां पे कोई आत्मा आत्मा नहीं होती, बट वो हाउस ही यहाँ पे जो है कंप्लीट तरीके से भूतिया होता है। बट इसके अंदर यहाँ पे जो है कंप्लीटली ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि दोस्तों इसके अंदर अपने को यहाँ पे जो है एक हॉन्टिंग हाउस तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन अपन ने पोस्टर के अंदर एक लाल साड़ी जो होती है वो भी यहाँ पे देखी थी। मतलब इस बार भी यहाँ पे जो है भूत का कैरेक्टर होने वाला है, एक फीमेल का कैरेक्टर, एक भूतनी जो होती है वो अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड गाइस सही बता रहा हूँ, मजा जो है बहुत ज्यादा आने वाला है। इसमें भी आप जो कहानी जो जो भी सुनने में आ रही है उड़ती उड़ती, वो यही सुनने में आ रही है कि एक भूतनी जो है वो अपना खोया हुआ प्यार ढूंढ रही है। लेट्स सी गाइस इसको यहाँ पे जो है वो किस तरीके से कॉमेडिक तरीके से यहाँ पे जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज गाइस देखो इससे पहले भी यहाँ पे जो एक पोस्टर निकाला गया था वो भी यहाँ पे जो है काफी ज्यादा हॉन्टेड जो होता है वो अपने को यहाँ पे लग रहा था, वो बल्कि जरा हॉन्टेड जो होता है वो अपने को यहाँ पे लग रहा था। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर बात करें आज के पूरे पोस्टर के बारे में, तो गाइस अक्षय कुमार को देखने को मिलते हैं सूट वूट में टाई वाई लगाकर यहाँ पे, तो लगता है कि यार आई थिंक भूत भगाने के लिए इनको यहाँ पे जो है बुलाया गया होगा। एंड ऊपर से अपने को एक काली बिल्ली जो होती है वो भी देखने को मिलती है, और जो हॉन्टेड हाउस है वो फाइनली अपने को यहाँ पे जो है दिखा दिया जाता है। तो काफी कूल तरीके से इसको यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किया है। बाकी दोस्तों अगर बात करें इस मूवी के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर यहाँ पे जो है दो हीरोइंस को अप्रोच किया गया है, पहला आलिया भट्ट, दूसरा यहाँ पे करीना कपूर खान, क्योंकि आई थिंक लगता है कि इन दोनों को भूतनी के रोल में यहाँ पे जो है डाला गया होगा, लेकिन आई थिंक यहाँ पे जो है करीना कपूर खान जो होती है वही अपने को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। 2025 के अंदर ये मूवी यहाँ पे रिलीज होने वाली है। अब वो कब होगी वो तो अपने को यहाँ पे जो है बहुत जल्दी पता चली जाएगा। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आप लोग यहाँ पे जो है कितने एक्साइटेड हो अक्षय कुमार एंड प्रिया दर्शन के कॉम्बो को लेकर। एंड इसके अलावा कुछ और अपडेट आएगी मैं आपको जरूर दूंगा, तो प्लीज मेक श्योर फटाफट जाओ सब्सक्राइब कर लो।